नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और ट्रांसपोर्ट अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों आज आपके सामने लगा हुआ है प्रीत का 955 ट्रैक्टर। तो आज हम इसके फीचर और स्पेसिफिकेशन जानने वाले हैं। प्रीत का 955 ट्रैक्टर का एक्स शोरूम प्राइस कितना है, कितने रुपये में अवेलेबल है, कैसा दिखता है, क्या क्या फीचर और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो प्रीत का ट्रैक्टर दोस्तों, प्रीत 955, इसके बारे में हम जो है डिटेल्ड रिव्यू इसका करने वाले हैं, वॉक अराउंड इसका करने वाले हैं। आइए जानते हैं प्रीत 955 के बारे में। तो दोस्तों आपके सामने लगा हुआ है प्रीत 955 ट्रैक्टर। कितना ज़्यादा खूबसूरत और कितना ज़्यादा शानदार ब्यूटीफुल लग रहा है। काफ़ी एग्रेसिव लुक के साथ प्रीत ने लॉन्च किया 955 ट्रैक्टर। इसके अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको दिखेगी, प्रीत की बैजिंग के साथ। और यहाँ पर ये जो लाइटिंग वगैरह दी गई है, जैसे कि इसकी आँखें हो, इतनी अच्छे तरीके से इसको जो है डिज़ाइन किया गया है। बाकी इसके अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एरोडायनेमिक इसका अंदर बोनेट दिया गया है। बोनेट अगर आप नीचे से देखेंगे तो बिल्कुल एरोडायनेमिक बोनेट का फ़ायदा यह होता है, अगर आप अपने ट्रैक्टर को चेक करना चाहते हैं, इसका जो एयर वगैरह चेक करना चाहते हैं, इसकी सर्विस करना चाहते हैं, खोल कर आप इसे देखना चाहते हैं कि आपके ट्रैक्टर में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आई हो, तो ईज़िली आप इसे जो है चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा, अभी इसमें चार्जिंग पॉइंट दिया जाने लगा है ट्रैक्टर में, वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट इस ट्रैक्टर को बनाता है। ये पावर स्टेयरिंग आप देख सकते हैं, सीट क्वालिटी भी मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले ये जो चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये चार्जिंग पॉइंट है। इसके बाद डिजिटल इसका स्पीडोमीटर आ गया है। तो दोस्तों 50 HP कैटेगरी के साथ ये आता है प्रीत 955 टू व्हील ड्राइव आप इसे कह सकते हैं। 4-stroke DI इसके अंदर मिलता है और 3-cylinder इनलाइन आपको मिलेगा इस ट्रैक्टर में। वहीं पे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 3066 के साथ ये जो इसका इंजन आता है, वहीं पे मल्टी सिलेंडर इनलाइन यानी बोस के फ्यूल पंप इसके अंदर दिया गया है और ड्राई एयर क्लीनर, साथ ही वाटर कोल्ड कूलिंग सिस्टम इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है। इसके अलावा ट्रांसमिशन की अगर बात कर लेते हैं, गियर की अगर बात करते हैं, तो 8 आपको फॉरवर्ड गियर मिलते हैं, 2 आपको रिवर्स स्लाइडिंग मैश मिलते हैं। ये आपको मैं गियर आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का स्पीडोमीटर आपको इसका नज़र आएगा। ये गियर आप देख सकते हैं, 8 फॉरवर्ड मिलेंगे, 2 आपको रिवर्स इसके मिलेंगे। साथ ही PT ऑपरेशन के लिए यहाँ पर जो दिया गया है टूल बॉक्स दिया गया है साइड में इसके, ये इसका टूल बॉक्स है। इसके अलावा हम मिरर वगैरह आप देख सकते हैं, साइलेंसर वगैरह आप देख सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है इसका। और दूसरा अगर सीट बैठने की अगर बात की जाए तो सीटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो सीट दी गई है, पहले जो ट्रैक्टर आते थे नॉर्मली ये जो सीट गद्दे वाली सीट है वो नहीं आती थी, लेकिन इसमें गद्दे वाली सीट दी गई है। इससे क्या होता है कि अगर आप धूप में चल रहे हैं, ठंड में चल रहे हैं, तो आपको एक कंफर्टनेस फील होती है अगर आप यहाँ पर बैठते हैं तो। पावर स्टीयरिंग आप देख सकते हैं। और क्लच की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हैवी ड्यूटी ड्राई ड्यूअल 280 mm की सेरामेटेलिक प्लेट वाली क्लच मिल जाती है। दूसरा दोस्तों, इस ट्रैक्टर के ब्रेक की बात की जाए तो वेट टाइप आपको ड्राई ऑप्शनल ब्रेक आपको मिल जाते हैं। और रोड स्पीड की बात की जाए तो स्पीड आप इसकी देख सकते हैं, प्रीत ट्रैक्टर के द्वारा बताया गया है दोस्तों, अगर आप इसे लो गियर में चलाते हैं और फर्स्ट गियर आप लगाते हैं तो मैक्सिमम स्पीड आपकी 2.6 यानी 2 से 3 की स्पीड जाएगी। और फर्स्ट गियर में वहीं पर अगर हाई स्पीड करते हैं, फर्स्ट गियर में आप हाई में अगर लेकर जाते हैं तो 10 से 11 की स्पीड जो है मैक्सिमम जाती है। वहीं पर दोस्तों अगर चौथा गियर आप लगाते हैं, फोर्थ गियर में आप चला रहे हैं और लो गियर आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो ऑन दैट टाइम 8 से 9 की मैक्सिमम स्पीड होगी। वहीं पे अगर हाई गियर में अगर आप चौथा गियर लगाते हैं तो 30+ स्पीड इसकी चली जाती है। इसके अलावा हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा, 2 लीवर आपको मिल जाते हैं ADDC के, गियर टाइप हाइड्रोलिक पंप इसके अंदर आपको मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा TPL कैटेगरी 2 के लिंकेज मिलते हैं। और लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो 1800 किलो तक की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी इस ट्रैक्टर की है। पावर टेक ऑफ की बात की जाए तो यहाँ पे 6 splines आपको मिल जाती है। और PTO स्पीड मैं आपको बता देता हूँ, 540 की PTO स्पीड मिलती है, चाहे वो GPT हो या फिर RPT हो, ऑप्शनल में आपको 540 तक की स्पीड इसके अंदर मिल जाती है। और फ्यूल टैंक की बात की जाए तो 67 लीटर का
आपको इसके अंदर टैंक दिया जाता है, साथ ही 8.5 का कूलिंग सिस्टम आपको मिलता है। और टायर साइज़ की अगर बात की जाए प्रीत 955 की, तो फ्रंट में आपको 7.5x16 का टायर आपको देखने को मिलेगा। ये टायर आप देख सकते हैं 7.5x16 का यहाँ पर लगा हुआ है। BKT टायर इस ट्रैक्टर में फ़िलहाल लगा है। इसके अलावा रियर टायर की बात की जाए तो रियर टायर आप देख सकते हैं 14.928 का रियर टायर आपके सामने लगा हुआ है। ये भी जो है BKT का टायर है। इसके अलावा 2100 केजी तक का इस ट्रैक्टर का GVW आप कह सकते हैं फ्रंट, आप इसे जो इसका जो टोटल वेट है कह सकते हैं 3.35 मीटर की टर्निंग रेडियस में ये जो है ट्रैक्टर आसानी से घूम जाएगा। पावर स्टेयरिंग ट्रैक्टर के अंदर मिल जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों 50 HP कैटेगरी के अंदर प्रीत ट्रैक्टर जो मॉडल है प्रीत ट्रैक्टर का 955 काफ़ी अच्छे तरीके से जो है पेश किया गया है, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी के साथ पेश किया गया है। इसके एडवांस फीचर की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया चाबी के साथ जो है इसका बोनट लॉक हो जाता है, ये भी एक नया फीचर इसके अंदर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर इस ट्रैक्टर के अंदर दिया गया है, मोबाइल चार्जर पॉइंट दिया गया है, पावर स्टेयरिंग आपको मिलेगा, बड़ा एयर क्लीनर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिल जाता है, वहीं पर एरोडाइनमिक बोनट आपको मिलता है, यानी ट्रैक्टर का अगर आपको खुद ही चेकअप करना है या फिर ट्रैक्टर में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उन दैट टाइम बोनेट आप इजीली ओपन कर सकते हैं, तो एरोडाइनमिक बोनेट आपको मिलेगा। तेल में डूबे ब्रेक मिलेंगे, यानी अगर आपका ट्रैक्टर ज़्यादा लोड खींच रहा है और तो आप इजीली हल्के ब्रेक भी दबाते तो अच्छे से ब्रेक आपके लग पाएंगे, तो ये एक अच्छी क्वालिटी है प्रीत की। इसके अलावा मल्टी स्पीड PTO और रिवर्स PTO आपको प्रीत 955 ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं हूँ ऑटो मार्केट फतेहाबाद हरियाणा के अंदर, और ये जो प्रीत ट्रैक्टर 955 लगा हुआ है, इस ट्रैक्टर के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, जमींदारा ट्रैक्टर्स ऑटो मार्केट शॉप नंबर 12, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल है, यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। आपको प्रीत का 955 ट्रैक्टर कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।